हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, अब हम बात करने जा रहे हैं लिमिट्स के नेक्स्ट लेक्चर पर। स्टूडेंट, आजकल हम लिमिट्स पर ही बात कर रहे हैं। क्लास 11th का चैप्टर है, लेकिन 12th के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल चैप्टर है, तो 12th के स्टूडेंट को भी ये चैप्टर रिपीट करना अच्छे से। एकेडमिक्स और एंट्रेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टूडेंट, आजकल हम बात करें इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट पर। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट से रिलेटेड बात करें, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट से रिलेटेड स्टूडेंट अब हम पहुंच गए हैं कहां पर, 1 to the power infinity फॉर्म पर पहुंच गए हैं। कहां पे पहुंच गए हैं? 1 to the power infinity फॉर्म पर। तो स्टूडेंट, आप लोग देखो, 1 to the power infinity का कॉन्सेप्ट क्या है, 1 to the power infinity का कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखो। आप यहां पर क्या है, अगर हम यहां पे इंफिनिटी रख दें तो 1 क्या आ जाएगा, अब देखो यहां पे 1/infinity ये 0 हो जाएगा, और यहां पे इंफिनिटी स्टूडेंट, ये 1 to the power infinity फॉर्म का क्वेश्चन है। 1 to the power infinity फॉर्म का क्वेश्चन है। यहां पर स्टूडेंट, आप यहां पर भी देखो, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो ये हो गया 1, और यहां पे 0 पुट कर दें तो इन्फिनिटी कितना हो गया, ये भी 1 to the power infinity फॉर्म का क्वेश्चन है। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। डायरेक्ट मेथड यूज करने से हमें पता चल जाएगा कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, जैसा इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा वैसे करना है। और अब हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट, अगर 1 to the power infinity फॉर्म का क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है। तो स्टूडेंट, उसका रूल क्या है, देखो आप क्या करें, क्या करें स्टूडेंट, इफ लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड लिमिट ऑफ जी एक्स, कह रहे हैं कि एक्स टेंस टू ए पर क्या है स्टूडेंट, एक्स टेंस टू ए पर क्या है, जीरो। एक्स टेंस टू ए पर एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों की लिमिट जीरो है। तो स्टूडेंट, कह रहे हैं कि अगर हमें लिमिट फाइंड करना हो 1 plus f(x)(1/gx), तो ध्यान से देखो आप स्टूडेंट, इसकी लिमिट जीरो, इसके लिमिट कितनी, जीरो रखेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी। ये 1 to the power infinity फॉर्म का एक्सप्रेशन बन रहा है, कैसे, क्योंकि आप देखो एफ एक्स की वैल्यू लिमिट पर क्या है, जीरो, और gx की भी 0, तो 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा स्टूडेंट। ये 1 to the power infinity फॉर्म का एक्सप्रेशन है। तो स्टूडेंट, कैसे सॉल्व करने हैं, ध्यान से देखो आप कैसे सॉल्व करने हैं। जब भी पता चल जाए कि 1 to the power infinity फॉर्म का क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट ये जो 1 है, ये जो 1 है, ध्यान रहे, क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पे e लिख लेंगे स्टूडेंट। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का रूल क्या है, सबसे पहले हम वहां पे e लिख लेंगे। सबसे पहले e लिखने के बाद, e लिखने के बाद स्टूडेंट उसकी डिग्री में क्या होगा, ये लिमिट रख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू a उसकी डिग्री में रख देंगे। रखने के बाद स्टूडेंट क्या करना है आपको, इस 1 को, ये जो 1 है इसको छोड़ देना है स्टूडेंट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है। ओके स्टूडेंट, ये जो 1 है यहां पर, ये छोड़ करके आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके रख देना है। ये है अप्रोच बेसिकली स्टूडेंट, ये डिराइव्ड फॉर्मूला है लॉ की हेल्प से, लेकिन हम उतनी दूर तक बात पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि एकेडमिक के सिलेबस में ये है नहीं, केवल एंट्रेंस में आएगा, तो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे या इंटीजर टाइप भी आ जाए तो वहां पर हमें यही अप्रोच अप्लाई करनी। ओके ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से देखो आप स्टूडेंट क्या करना है, 1 to the power infinity फॉर्म का आ जाए तो 1 को छोड़ करके यहां ई नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद लिमिट ई की डिग्री में होगी, और इसको 1 को छोड़ के जो बच गया उसको डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करके रख देना है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट देखो आप यहां पर स्टूडेंट, जैसे देखा हमने कि ये 1 to the power infinity फॉर्म का क्वेश्चन है, तो तुरंत ही नोट कर लिया। ध्यान से देखो आप, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे समझने, जैसे ही पता चला कि 1 to the power infinity फॉर्म का क्वेश्चन है, डायरेक्ट ई नोट कर लिया। नोट करने के बाद स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, पहले उसकी डिग्री में लिमिट नोट कर लेनी है, ई की डिग्री में लिमिट नोट कर लेनी है बिना देर किए हुए। अगर देर किया हो सकता है, गलती हो सकती है स्टूडेंट, इसलिए देर करना ही नहीं है, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी नोट कर लेना है। ध्यान से समझो आप, जैसे ही पता चल जाए कि 1 to the power infinity फॉर्म का क्वेश्चन है, तुरंत पहले ई नोट कर लेंगे, और जो लिमिट है उसको उठा के ई के डिग्री में रख देंगे। रखने के बाद स्टूडेंट, अब मेरी बात ध्यान रखनी है, क्या करना है, रखने के बाद क्या करना है, इस 1 को छोड़ देंगे और जो बच गया उसको हमें डिग्री के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहां भी देखो आप, 1 को छोड़ दें तो जो बच गया 3x(1/x) मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, देखो आप इस x से ये x कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल, लिमिट रखेंगे ये तो 1 हो गया है, तो e to the power 1 इसका आंसर आ गया स्टूडेंट, दैट इज e। और यहां पे स्टूडेंट देखो आप, ये x इस x से कैंसिल, क्या बच गया 3, तो स्टूडेंट इसका आंसर आ गया e to the power 3। बहुत आसान है, इससे आसान कोई क्वेश्चन है नहीं, और स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन मैं दिखाने वाला हूं आपको। ओके, तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको बता दिया 1 to the power infinity फॉर्म का क्वेश्चन आएगा तो क्या अप्रोच होगी, बहुत आसान है। सबसे पहले ई नोट कर लेंगे, ई की डिग्री में लिमिट नोट कर देंगे, उसके बाद 1 प्लस को छोड़ करके जो भी बचेगा डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, आंसर तुरंत आ जाएगा बिना देर के, जल्दी से आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन देखते हैं हम।
इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। वन टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे हम, वन टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे हम। ओके स्टूडेंट, वन टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो आप क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट, देखो आप आज का क्वेश्चन है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखो आप इवैल्यूएट, इवैल्यूएट नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट, इवैल्यूएट लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो वन प्लस टू एक्स, वन प्लस टू एक्स की डिग्री x स्टूडेंट। आज का ये क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इवैल्यूएट, इवैल्यूएट इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो क्या है वन प्लस टेन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर रूट एक्स, रूट एक्स की डिग्री वन बाई कितना है स्टूडेंट टू एक्स, वन बाई कितना है टू एक्स, इसकी लिमिट इवेल्युएट करनी है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो आप, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे अभी हम बेसिक क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं, पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर हम उन क्वेश्चन पर आएंगे जो आई टी जेई में पूछे गए। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सबसे पहला काम हमने डायरेक्ट मेथड से लिमिट रख दी, लिमिट रखा तो देखा ये वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का ये भी क्वेश्चन है और ये भी वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन है स्टूडेंट, चेक कर लो आप। स्टूडेंट मैंने आपको जैसा कि बताया है कि पहला काम हमारा यही है, पहला काम हमारा क्या है डायरेक्ट मेथड से ये पता करना कि किस फॉर्म का क्वेश्चन है, कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो डायरेक्ट मेथड से ही वो पता चलेगा और कोई तरीका नहीं है। तो डायरेक्ट मेथड से जैसे पता चल गया तो स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, सबसे पहला काम ई नोट कर लेते हैं, इसमें भी स्टूडेंट यही करना है हमें, सबसे पहला काम क्या करते हैं ई नोट कर लेते हैं स्टूडेंट, सबसे पहला काम क्या करेंगे ई नोट कर लिया, ये लो आप ई नोट कर लिया, यहां पर भी स्टूडेंट हमने क्या काम किया ई नोट कर लिया, फिर क्या करते हैं उसकी डिग्री में लिमिट नोट कर लेते हैं, जो भी लिमिट है स्टूडेंट, जो भी लिमिट है यहां पे इंफिनिटी है, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, और यहां पर स्टूडेंट देखो आप एक्स टेंस टू जीरो, जो भी लिमिट होगी नोट कर लेना बहुत आसान है। पहले तो ई जैसे ही पता चला कि वन टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है तो तुरंत ई नोट कर लेंगे, ई की डिग्री में लिमिट नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद स्टूडेंट मैंने बताया ये जो वन होगा उसको छोड़ करके जो भी बच गया उसको डिग्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यहां पर भी वन को छोड़ करके जो भी बच गया उसको डिग्री के साथ क्या करना है स्टूडेंट मल्टीप्लाई करना है, ये लो आप हो गया मल्टीप्लाई। अब क्या करना है थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, तो स्टूडेंट ध्यान दो आप यहां पे, यहां पे क्या आएगा ये x इस x से कैंसिल, क्या आ गया आंसर e टू द पावर 2, e टू द पावर 2 इज द आंसर, e टू द पावर 2 इज द आंसर, e क्या है e है e इज एन एक्सपोनेंशियल वैल्यू, जो कि कैसी वैल्यू होती है स्टूडेंट इरेशनल नंबर है ये, तो इसकी वैल्यू 2 टू बिटवीन 2 टू 3 होती है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी बस आपको इतनी बात ध्यान देनी है e टू द पावर 2। ओके ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहां पर देखो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, e टू द पावर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, स्टूडेंट tan को कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है कि tan रूट एक्स है तो बाई रूट एक्स इंटू रूट एक्स करना पड़ेगा, एंड होल स्क्वायर को सबसे ऊपर रख दिया, एंड ये जो बाई टू एक्स है ये लो आप इसको यहां पे रख लिया, ऐसे ही तो करते थे क्योंकि देखो आप ये tan 0 बाई 0 का फॉर्म बन गया, 0 बाई 0 का फॉर्म बन गया, तो 0 बाई 0 में तो यही करते थे, टैन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला था हमारे पास, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था टैन थीटा बाई थीटा अगर बना दें तो वन हो जाएगा, ठीक है ये वन हो गया। ओके स्टूडेंट कितना आ गया यहां से, फिर ये यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी e टू द पावर लिमिट एक्सटेंस टू इन जीरो, और ये तो वन हो गया स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा x बाई टू एक्स, एक्स एक्स से कैंसिल स्टूडेंट, फाइनली आंसर आ गया कितना e to the power half, that means student root e is the answer, इसका answer क्या है student e to the power half, that means इसका answer है root e, root e is the answer। okay student बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप ठीक से समझोगे तो, छोटी छोटी बात है, छोटी छोटी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अभी अभी हमने दो क्वेश्चन और भी देखे, वन टू द पावर इंफिनिटी से रिलेटेड दो क्वेश्चन कंप्लीट किया हमने। नेक्स्ट स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, पूछा जाता है, एंट्रेंस में भी है, एकेडमिक में नहीं है स्टूडेंट, एनसीईआरटी के पार्ट से ये बाहर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट इवैल्यूएट लिमिट इवैल्यूएट करनी है, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट कितना है स्टूडेंट, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट x प्लस सिक्स बाई एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन की डिग्री कितनी है स्टूडेंट, की डिग्री कितनी है स्टूडेंट, ध्यान दो आप इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री है एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर स्टूडेंट ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, देखो आप अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए आरटीजेई में स्टूडेंट, देखो आप कैसे करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहला काम जैसे ही लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे ही लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम तो यही है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म पता करना। तो स्टूडेंट आप देखो यहाँ पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म जैसा बनेगा ना, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी से अगर इसकी वैल्यू पता करें तो वो आएगा वन, और यहाँ पे इन्फिनिटी रख दें तो वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, ये तो कन्फर्म है स्टूडेंट। कैसे पता चला ये वन आएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म वाले कॉन्सेप्ट से, डिग्री अगर इक्वल हो तो कोफिशियंट का रेशियो वन आएगा। ओके तो स्टूडेंट यहां से पता चल गया वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसके आंसर के लिए, सबसे पहले आपको नोट करना होगा ई, ये लो आप, उसकी डिग्री में क्या नोट करेंगे स्टूडेंट, लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, ये लो आप लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट। ओके आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते थे स्टूडेंट, वन प्लस को छोड़ देते थे, लेकिन यहां पे तो वन प्लस दिख ही नहीं रहा, तो ये लो आप वन प्लस हम अपने से फॉर्म कर लेंगे, वन प्लस किया तो वन माइनस भी करना पड़ेगा बच्चों, ओके वन प्लस किया तो वन माइनस भी करना पड़ेगा, वन प्लस मैंने रूल बताया था वन प्लस को छोड़ करके बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे डिग्री के साथ, तो ठीक है वन प्लस नहीं था तो हमने अपने से बनाया तो अपने से माइनस भी किया, अगर स्टूडेंट इसको छोड़ देंगे तो इस पूरी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करो आप जरा, यही रूल है हमारा, तो मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस सिक्स बाई एक्स प्लस वन माइनस वन इंटू एक्स प्लस फोर। ओके स्टूडेंट क्लियर आपको, बहुत आसान है स्टूडेंट, बहुत आसान है, अगर आप सोचोगे बहुत आसान है, अगर आप सोचोगे बहुत मुश्किल भी है, अपनी अपनी सोच है ये, जितने आसानी से आप लोग स्टूडेंट जितना अच्छा रिवीजन करोगे उतना ही आसान लगेगा, कोई भी चीज दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, मुश्किल जैसी कोई चीज होती ही नहीं, हमारे मन का ये भ्रम है, हम कभी कभी किसी चीज को सोचते हैं बहुत आसान है, किसी को सोचते हैं बहुत मुश्किल है, और वो मुश्किल सबके लिए मुश्किल नहीं, इसका मतलब बाकी लोग उसको आसान समझ रहे हैं, तो बहुत आसान बात है। क्या करना है, हमने जैसे देखा वन टू द पावर इनफिनिटी फॉर्म है, सबसे पहले ई नोट कर लेंगे, ई की डिग्री में लिमिट रख लेंगे, वन प्लस को छोड़ना है, वन प्लस नहीं था तो अपने से वन प्लस वन माइनस कर लिया, वन प्लस को छोड़ दें स्टूडेंट तो ये वैल्यू जो है इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये वैल्यू आ गई है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो आप स्टूडेंट ई टू द पावर लिमिट एफ एक्स टेंस टू लिमिट एट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहां पर क्या होगा स्टूडेंट एलसीएम लेंगे तो देखो आप कितना आ जाएगा, एक्स प्लस सिक्स माइनस एक्स माइनस वन एंड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस फोर। ओके स्टूडेंट स्टूडेंट इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, यहां पे स्टूडेंट क्या आएगा, फाइव फाइव एंड बाई एक्स प्लस वन, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी, फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी। ओके स्टूडेंट स्टूडेंट ध्यान से देखो आप, ये तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जैसा है और डिग्री इक्वल है, डिग्री इक्वल है तो क्या आएगा स्टूडेंट, ई टू द पावर डिग्री इक्वल है तो क्या आएगा, देखो आप डिग्री इक्वल है तो कोफिशियंट का रेशियो फाइव बाई वन स्टूडेंट, दैट मीन्स इसका आंसर आ गया ई टू द पावर फाइव, ई टू द पावर फाइव इज द आंसर, ई टू द पावर फाइव इज द आंसर। बहुत आसान है स्टूडेंट, अगर आप सोचोगे तो बहुत आसान है, और अब हम अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने जा रहे हैं वो आईटीजी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हम उस पर बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करने जा रहे हैं जो कि आईटीजी में पूछा गया क्वेश्चन है, आईटीजी में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये सारी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो वीडियो लाइक भी करना है, अगर आपको पसंद आया कोई भी बात पसंद आई उसके लिए कमेंट भी करना है, जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो या जो भी बात जो भी मेथड पसंद आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आज का स्टूडेंट, देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है स्टूडेंट, इवैल्यूएट 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 लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो
1 plus 5x² by 1 plus 3x square, इसकी डिग्री है स्टूडेंट 1 by x square, इसकी डिग्री है 1 by x square. स्टूडेंट ये ITJEE 96 में पूछा गया क्वेश्चन है, ITJEE में पूछा गया क्वेश्चन है 1996 का क्वेश्चन है स्टूडेंट, सामने ही दिख रहा है कि ये तो 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन है, जीरो रख दो आप, ये आ गया 1 और यहां जीरो रखे तो इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन है स्टूडेंट. तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट. क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस दिख नहीं रहा है तो ये लो आप, हमने अपनी साइड से स्टूडेंट 1 प्लस 1 माइनस कर लिया, वो अपनी साइड से 1 प्लस 1 माइनस कर लेंगे जिससे 1 प्लस की टेंशन नहीं हो हमें. ये लो आप 1 माइनस भी आ गया यहां पर, एंड होल डिग्री कितनी है स्टूडेंट 1 by x square. ओके स्टूडेंट, अब सामने दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चन है किस फॉर्म का है, ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन है, ये तो कंफर्म है 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन है, कंफर्म है. तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले e की डिग्री में लिमिट और 1 प्लस को छोड़ देंगे स्टूडेंट, तो जो बच गया उसको हमें डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 plus 5x square by 1 plus 3x square minus 1 एंड इनटू 1 by x square. स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा e टू द पावर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, यहां से क्या आएगा स्टूडेंट 1 plus 5x square minus 1 minus 3x square एंड डिवाइडेड बाय 1 plus 3x square इनटू 1 by x square. स्टूडेंट स्पीड बड़ी अच्छी होनी चाहिए कैलकुलेशन की, और वो प्रैक्टिस से ही आएगी, वो कोई बाबा नहीं है जो आकर बता देंगे बेटा कल आपकी स्पीड इतनी होगी परसों इतनी होगा, ऐसा कोई बाबा नहीं है दुनिया में जो आपकी स्पीड ठीक कर दे, आपकी स्पीड स्टूडेंट आपकी ही प्रैक्टिस से ठीक होगी, और कोई ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला, कोई जादुई करिश्मा नहीं होने वाला है कि आप कर लोगे. ओके ई टू द पावर स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से देखो आप स्टूडेंट 1 से कैंसिल, 5x square से 3x square माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2x square एंड बाई 1 plus 3x square इंटू 1 by x square. स्टूडेंट इस x square से ये x square कैंसिल, और अब हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे स्टूडेंट, आंसर आ गया कितना e to the power 2. स्टूडेंट ये आंसर है, बहुत आसान क्वेश्चन है. आप देखो IIT में क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट, लेकिन हम इजीली सॉल्व कर ले रहे हैं, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल क्लियर है. ओके बच्चों कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट, चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करने हैं, शेयर करने हैं, सारे फ्रेंड्स को शेयर करने हैं, जितने भी फ्रेंड हैं आपके सारे स्कूल में जितने स्टूडेंट सबको शेयर कर दो आप, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक एक स्टूडेंट विलेज तक ये मेरा चैनल पहुंचना चाहिए. ओके थैंक यू.